दोस्तों, जब भी हम नया मटका लाते हैं तो हमारा मटका कुछ दिनों तक तो ठंडा पानी देता है, उसके बाद नहीं। अब मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप नया मटका ले आएं, आज हम पुराने मटके में ही फ्रिज से भी ठंडा पानी और एकदम बिल्कुल शुद्ध और प्योर पानी रखेंगे। कैसे रखेंगे वो आज मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। इसके लिए आपको बस एक से दो छोटे काम करने होंगे, वह काम कौन से हैं? तो दोस्तों, पहले आप एक स्क्रबर लीजिए और उस पर थोड़ा सा आप नमक डाल लीजिए। अब नमक डालने के बाद आपको क्या करना है, मटके को पहले आप चारों तरफ से गीला कर लीजिए। अब मटके को आप अच्छे से गीला कर लीजिए पूरा का पूरा। अब दोस्तों, आप जब भी नया मटका लाएंगे ना, तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि उसमें जो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ छोटे छोटे होल्स होते हैं, और जब भी आप नए मटके में पानी डालते हैं तो आप ध्यान से सुनना कि उसमें एक बहुत ही सुनहरी सी आवाज़ आएगी, जैसे कि हमें बजना कहते हैं, वह बहुत ही सुनहरा बजेगा जब आप उसमें पानी डालेंगे। और जब पुराना मटका हो जाएगा तो उसमें वह नहीं बजेगा। क्या कारण है, वह हमेशा कैसे बजता रहता है और क्यों नहीं बजता है वो मैं आपको बताऊँगा। हमारा वह बजता क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो होल्स होते हैं वो जैसे जैसे हमारा मटका पुराना होता है वह होल्स सारे बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसमें नमक लगाया है और स्क्रबर की मदद से हमने इसको थोड़ा सा अच्छे से घिसा है, ताकि इसके जितने भी होल है वो सारे के सारे अच्छे से खुल जाए और हमारा जो पानी है एकदम ठंडा रहे। अब अंदर के होल कैसे खोलने हैं, अंदर के ना तो दोस्तों आपके अंदर के होल खोलने के लिए इसमें बस नमक डालना है और पानी डालना है, ना तो आपको इसको हाथों से इसके अंदर घिसना है, ना ही स्क्रबर लगाना है। बस आपको कुछ इस तरीके से इसको पानी डाल के, नमक डाल के इसको ज़ोर से हिला लीजिए और अच्छे से 3 से 4 बार इसको वॉश कर लीजिए, ताकि इसके अंदर जितने भी होल्स हैं वो सारे के सारे अच्छे से खुल जाएं। बाहर से भी आप इसको हाथ की मदद से अच्छे से धो लीजिए। अब तो आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इस मटके को बिल्कुल अच्छे से अंदर और बाहर से धो लिया है और अब हमारा मटका एकदम बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब इसके जितने भी होल हैं वो सारे के सारे इसके अच्छे से खुल चुके हैं। अब मैं एक बार फिर से इसको अच्छे से वॉश कर लेता हूं, ताकि इसके अंदर नमक की मात्रा ना रहे। अब इसको ठंडा रखने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको ले लेनी है कूलर की घास। कूलर की घास दोस्तों, जब हम कूलर में डालते हैं और यह गीली होती है, तो आपको पता है कि हमारा कूलर कितनी ठंडी हवा देता है। बस दोस्तों, वही काम आपको इस मटके के ऊपर करना है। आपको इसके अंदर नहीं डालना है इसको, आपको बाहर किस तरीके से लगाना है वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। हमारा जो यह मटका है, हमने सबसे पहले इसको अच्छे से धो लिया है, एकदम बिल्कुल अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके जितने भी सारे होल्स हैं वो खुल चुके हैं। अब हम इस पर ये जो घास है कूलर की, वो हम इस पर लगा देते हैं। कुछ इस तरीके से हम इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले, और फिर इस घास को लगा देते हैं। अब दोस्तों, कूलर का जो पानी होता है और वो इस घास पे पड़ता है, तो आपको पता है कि हमें कितनी ज़्यादा ठंडक देता है। बस वही काम दोस्तों यह यहीं पर भी करने वाला है। अब आपको एक डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी धागे की ज़रूरत। अब इसको आपको ऊपर का जो हिस्सा है, जो इसका कॉर्नर होता है, वहाँ पर इसको अच्छे से कुछ इस तरीके से आप इसको बांध लीजिए, ताकि यह हिले नहीं और हमें बार बार इसको बांधने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो एक बार ही आप इसका काम फिक्स कर लीजिए, और पूरी गर्मियाँ दोस्तों आपको पानी फ्रिज से भी ठंडा मिलेगा, शुद्ध मिलेगा और एकदम प्योर पानी मिलेगा। अब मटके का जो पानी होता है वो हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अब इस डोरी की मदद से आप इस डोरी को थोड़ा लंबा ले लीजिए, मेरे पास छोटी थी तो मैंने 2-3 डोरियाँ जोड़कर काम चलाया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से मैं इसको अच्छे से लपेट लेता हूँ। अब अच्छे से लपेट के आप देखेंगे कि हमने इसको पूरा अच्छे से कवर कर लिया है, कहीं पर भी आपको जगह नहीं छोड़नी है। तो आप देख सकते हैं यह घास हमारे इस मटके पर बिल्कुल अच्छे से कवर हो चुकी है। अब कवर होने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है कि आप इस मटके में अच्छे से पानी डाल लीजिए, फिल्टर का पानी डाल लीजिए, या फिर आप बारिश का पानी पीते हैं तो बारिश का डाल लीजिए, जो भी आपके पास पानी है वो डाल लीजिए। अब मैं इसमें फ़िल्टर का पानी डाल रहा हूँ और इस मटके को मैं अच्छे से भर लेता हूँ। अब मैंने इस मटके को पूरा अच्छे से भर लिया है और इस पर अब ढक्कन लगा दिया है। अब ढक्कन को भी दोस्तों मैं थोड़ा सा गीला कर दूँगा, यानी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगा, और जो बाहर की जो हमारी घास है उसको भी मैं दोस्तों गीला कर दूँगा। जब भी आप पानी पिए दोस्तों, आप दिन में 2 से 3 बार इस घास को गीला कर दीजिए, आपको पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा मिलेगा, आपका फ्रिज का पानी पीने का मन ही नहीं करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी है वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने हमारे पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मैं चलता हूँ दोस्तों, मुझे दीजिए अलविदा, बाय, टेक केयर।